ऑल राइट, बहुत कम लोगों ने इतनी रेस्पेक्ट ली है इंडस्ट्री में जैसे संग्राम ने ली। संग्राम और अपनी मेहनत से बने हैं, मिट्टी से उठ के आए हैं, फैमिली मैन भी हैं साथ में। संग्राम, द शो इज गेटिंग जस्ट बिगर एंड बिगर, सो आर यू। आप भी बड़े होते जा रहे हैं समय के साथ, हाउ डज इट फील? मेरा तो ऑप्शन से बड़ा होता जा रहा हूँ मैं। और बाकी अगर आप फिटनेस के बारे में बोलोगे तो कुछ ही दिनों में वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री हो जाएगा फिटनेस। क्योंकि सबको मालूम है कि अगर फिट है तो सब हिट है, विदाउट फिटनेस यू कांट डू एनीथिंग, नॉट अ सिंगल थिंग। मतलब अगर आपको चलना भी है तो यू नीड टू बी फिट, और बिजनेस करना है आपको, जो भी चीज़ें करना है आपको फिटनेस करना ही चाहिए। और एक्सपो जो है आज एप ये भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी और जो ये चीज़ें प्रोवाइड करें लोगों को। जस्ट अभी क्या हो रहा है कि लोगों को लग रहा है कि सिर्फ कंपटीशन के लिए एक्सपो आना है, बट द मेन थिंग इज यहाँ पे जो एग्जीबिटर्स आते हैं, आपको फिटनेस में हर किसी को कॉम्पीट करना नहीं है। तो कंपटीशन छोड़ के भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको ब्रेड एंड बटर मिलता है, तो एक्सपोज एक्चुअली उसके लिए है। तो मैं मनीष भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहता हूँ और शेरू पाजी का कि उन्होंने कॉम्पिटिशन रखा है और मनीष भाजी ये जो एक्सपो ले रहे हैं, सो ग्रोथ इज अनलिमिटेड। ऑल राइट, सो संग्राम वंस अगेन लोगों के लिए कुछ एडवाइस जो नए बच्चे बॉडी बिल्डिंग में आ रहे हैं उनके लिए। गाइस, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि निकुंज जो है ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, लेकिन ये किसी का फ्रेंड है करके एक्सपो में आता नहीं है। इसका मेन मोटो है कि टू प्रमोट फिटनेस, क्योंकि ही बिलोंग्स टू फिटनेस। एक्सपो में हम लोग किसी पर्टिकुलर एक्सपो को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट हर एक्सपो का एक लिमिट रहता है, हर एक्सपो का एक एक्सपोजर रहता है। सो जैसे आई ज्वाइन बॉडी पावर लॉन्ग बैक, अभी बॉडी पावर नहीं है और अभी आई एच ए पे भी इज ग्रोइंग वेरी वेल। और निपुण का काम वही है कि जो अच्छी चीज़ें फिटनेस में चल रही है, जो बुरी चीज़ें चल रही है उनको बताना। तो मैं इस एक्सपो के बारे में बताऊँगा कि रियली बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया जाता है। बिल्कुल। और यहाँ पे एग्जीबिटर्स का प्रमोशन, मैंने मनीष भाई को बोला कि हर जगह पे कंपटीशन का प्रमोशन हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम एग्जीबिटर्स प्रमोट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हर इक्विपमेंट ब्रांड है, हर सप्लीमेंट ब्रांड है, हर एक्सेसरीज ब्रांड है, और उसके साथ अटैच होने के लिए एथलीट्स है। बिल्कुल। सो पहले एक्सपो आएगा, देन कंपटीशन आएगा, देन एथलीट्स आएंगे, और एथलीट्स को एग्जीबिटर्स अपना एम्बेसडर बनाएंगे। बिल्कुल। सो गाइस, दिस इज द ब्रेड एंड बटर। कंपटीशन के बाद हर कोई जीतेगा ना, एक चैंपियन हो जाएगा, उसको सारी चीज़ें मिलेगी, बट आई एम देयर फॉर यू। जो मेरा कंपटीशन में संग्राम क्लासिक है, दैट इज़ फॉर बाय द एथलीट एंड फॉर द एथलीट। मेरा कंपटीशन चैंपियंस हंट रहता है, जहाँ पे चैंपियंस को मैं अलाउड नहीं करता हूँ, क्योंकि चैंपियंस फेडरेशन में कॉम्पीट कर रहे हैं। मेरा पर्सनल कॉम्पिटिशन है, मुझे वहाँ पे एक्सपोजर और लोगों को बताना है कि विदाउट चैंपियन भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। बिल्कुल। क्योंकि मैंने कंपटीशन छोड़ के 6 साल हो गए हैं, बट आप सबका प्यार मैं देख रहा हूँ कि मेरे बढ़ते जा रहे हैं। कंपटीशन खेल नहीं रहे लेकिन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए जानना जरूरी है। इसके पीछे रीजन क्या है कि आपको देखिए एक्सक्लूसिव नहीं बनना है, आपको इंक्लूसिव बनना है। मैक्सिमम लोग को क्या लगता है कि अगर आप जीत गए कुछ चीज़ें तो आप टॉप में चले जाते हो और आपको क्राउड से आप अलग कर देते हो, है ना, कि क्राउड से अलग करोगे तो अगर आपके पास क्राउड नहीं आएगा देन आप करोगे क्या? हम ये भी बुलाते क्यों कि आप हमारे पास क्राउड आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैं इनमें जाके मिक्स नहीं हो जाऊंगा तो मेरे पास लोग आएंगे नहीं। बिल्कुल। जब जितने भी लोग मुझे मिलने आते हैं ना, मुझे भाई बोलते हैं, दादा बोलते हैं, सर बोलते हैं, पैर छूते, कोई भी बंदा पैसे दे के पैर छूता नहीं है। वो रिस्पेक्ट अंदर से आना चाहिए, और आपके मन में भी कुछ चीज़ें ऐसे चाहिए कि विदाउट इंटेंशन, विदाउट खराब इंटेंशन या फिर विदाउट कमर्शियल इंटेंशन। जैसे मेरे ये सारे मेरे एथलीट्स हैं, 1 साल पहले इनको कोई जानता नहीं था, शरद है, रंजीत है, गौरव है, इनको मैंने प्रॉमिस किया था कि कुछ दिन के बाद जहाँ पे आप लोग लाइन में रह के पासेस ले रहे थे, लेकिन आई विल डू समथिंग कि आप सामने हो जाओगे, आपके सामने आपको पासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अभी इनका स्टेज आया, तो मैं सामने वाले भी जो लोग हैं ना उनको वही कहना चाहूँगा मैं कि बॉडी बिल्डर एक पार्ट है फिटनेस का, लेकिन वो जो चैंपियन बनता है, चैंपियन वन डे के लिए रहता है स्टेज पे, लेकिन जो चैंपियन स्टेज के नीचे भी चैंपियन रहता है ना, उसी के पीछे सब लोग जाते हैं, क्योंकि वो सबके आगे फ्रंट पे खड़ा नहीं है देखने के लिए, वो सबके सामने चल रहा है और एक रूट दिखा रहा है कि यू कैन
फॉलो दिस रूट टू रीच द गोल. तो बॉडी तो आएगी चली जाएगी यार. अभी यहाँ पे कितने सारे बॉडी सामने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं. वो तो आपको भगवान ने दी नहीं, एक चीज़ है आपको भगवान ने दिया कि आपका बॉडी, बॉडी बिल्डर को बॉडी बनाना है, लेकिन आपको आपकी आइडेंटिटी बनानी है और वो आपका नाम रहता है, आपका काम रहता है. तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ मेरे काम से, मेरे नाम से, और मैं मेरे 18 जिम से निपुण. तो 18 जिम से मेरे, और मेरे साथ अराउंड 125 लोग काम कर रहे हैं. और मैं हर जिम पार्टनरशिप में खोलता हूँ, जो मेरे ट्रेनर्स है वही मेरे पार्टनर्स है. सो आपको, आपके पास एक रीज़न चाहिए, आपके पास एक विजन चाहिए कि आपको क्यों काम करना है और किस तरीके से काम करना है. सो मैंने एक पार्ट लिया है कि मैं आगे जा रहा हूँ, मेरे साथ जिसको आना है मैं उनके लेके जा रहा हूँ. और एक चीज़ है कि मैं लोगों को चॉइस करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ. मैं किसी को चांस नहीं देता कि मुझे सिलेक्ट करे कोई. वो समय ही अलग था, समय अलग. मैं चॉइस कर रहा हूँ कि मेरे साथ जो जिनको चलना है ना उनको मैं खुद ले रहा हूँ, है ना. बहुत सारे लोग आएंगे लेकिन नहीं, मुझे उनको ही लेना है जो सच में मुझे ट्रस्ट करते हैं. मुझे उनको नहीं लेना है कि लगता है कि संग्राम सर का अभी आज फैन फॉलोइंग अच्छा है, उनके पास जाके हम लोग प्रमोशन हो जाएगा, आधे निकल जाएंगे. ऐसे आके बहुत ज़्यादा निकल गए, लेकिन मैं मेरे काम पर ट्रस्ट करता हूँ. और वही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है. जितना आप ज़्यादा काम करोगे और लोगों के साथ मिक्स हो जाओगे ना, उतना ही लोग आपके साथ आ जाएंगे और आपका जर्नी अच्छे से चलेगा. बहुत अच्छी बात है. संग्राम की ये बात नोट कर लीजिए, यू हैव टू बी इंक्लूसिव नॉट एक्सक्लूसिव. दो चार शब्दों में इतनी प्यारी बात इन्होंने बोली है, इंक्लूसिव नॉट एक्सक्लूसिव. लोगों के बीच में रहिए, वही रीज़न होगा आपकी ग्रोथ का, आपके आगे बढ़ते रहने का. संग्राम का वो रीज़न है. आज भी हम देखते हैं वो लोगों से ऐसे मिलते हैं जैसे पूरी दुनिया उनकी दोस्त है ना संग्राम. यस यस. ये ज़मीन पर कदम रखने का रीज़न क्या है? पैर आपके ज़मीन पर कैसे रहते? वेट हमेशा मेरा 100 के ऊपर रहता है, तो मैं पैर उठाऊंगा तो गिर जाऊंगा. एक्चुअली कैसा है, देखिए जब मुझे लगता है कि मुझे बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, मेरा ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है ना, तो मैं मेरे से जो सीनियर लोग हैं उनकी तरफ देखता हूँ कि यार वो मेरे से इतने सीनियर, लेकिन वो अभी भी सप्लीमेंट बना के दे रहे लोगों को, अभी भी साइन कर रहे हैं, क्यों आया था तो फोटो के लिए उठ रहा है, वो देखता हूँ मैं. और अगर मुझे लगता है कि मैं डाउनफॉल हो रहा है मेरा, या फिर कोई लोग आ नहीं रहे मुझे, तो मैं उन लोगों को देखता हूँ कि जो कुछ भी नहीं कर रहे आगे, लेकिन वो अपना काम कंटिन्यू करते रहे. तो आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करनी चाहिए. आपके सिर्फ ऊपर नीचे नहीं, आपके आजू बाजू भी देखना है कि आपके बाजू वाला क्या कर रहा है, बंदा सामने वाला क्या कर रहा है. सिर्फ ऊपर देख के चलोगे तो गिर जाओगे आप. तो आपको नीचे भी देख के चलना है, एटलीस्ट सामने देख के चलना है, ताकि आप जान सको कि आप सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो. बिल्कुल, राह साफ रहनी चाहिए. ऑब्वियसली आपका इंटेंशन साफ रहेगा ना निपुण, तो आप हर चीज़ अच्छी कर सकते हो. ऑलराइट, थैंक यू सो मच संग्राम, इतने अच्छी अच्छी बातें मैं हमेशा बताने के लिए. और अब तो आपके साथ टीम भी है, आपने बोला 125. संग्राम क्लासिक का नया सीजन भी आएगा, विल लुक फॉरवर्ड टू दैट. नवंबर एंड तक संग्राम क्लासिक दिल्ली में हो जाएगा. बहुत बढ़िया. और दैट विल बी एट बिगर लेवल, क्योंकि इट्स नॉन कमर्शियल कॉम्पिटिशन बाय द एथलीट फॉर द एथलीट कॉम्पिटिशन, विदाउट फेडरेशनल कॉम्पिटिशन. नॉन चैंपियन फेडरेशन, नॉन चैंपियन कॉम्पिटिशन है, जिसमें चैंपियन हंट होता है. चैंपियंस को अलाउड नहीं है, तो हर किसी को लगता है कि मैं चैंपियन बन सकता हूँ. यस, क्योंकि चैंपियन बॉर्न मतलब पैदा नहीं होता है, उसको बनना पड़ता है ना आगे ना. तो चैंपियंस लोग जब तक हटेंगे ना, तब तक वो जो यंगस्टर्स है वो चैंपियन नहीं बनेंगे, और चैंपियंस लोग हटने के लिए तैयार नहीं है. सो मैंने संग्राम क्लासिक बनाया ऐसा है कि वहाँ पे जिनके पास 1-2-3 मेडल है नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, वो मेरे कॉम्पिटिशन में आएंगे नहीं. मेरा कॉम्पिटिशन इज फॉर अमेचर बॉडी बिल्डर्स. जो नए बिगिनर्स आ रहे हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे कॉम्पिटिशन में आपको जॉब नहीं मिलेगा. एक्चुअली कहीं भी जॉब मिलता नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है. ठीक है, इसके बारे में लोग बात भी नहीं करना चाहते. अब मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे क्लास वन पोस्ट मिल रहा था लेकिन मैंने लिया नहीं है. अगर आप बॉडी बिल्डर हो तो आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है, आप खुद की बॉडी बना सकते हो. आप 100 लोगों की बॉडी बनाओगे, उनको आप लाइफ दे रहे हो, उनको फिटनेस बना रहे हो ना, तो आपको आपका फीस मिल जाएगा. करेक्ट, है ना. नौकरी करोगे तो फिर आप बॉडी बिल्डिंग करने की जरूरत है. दूसरी चीज़ की बॉडी बिल्डर गरीब रहता नहीं है जॉब करने के लिए. बॉडी बिल्डर बॉडी बनाना इतनी आसान बात नहीं है. अगर कोई बंदा बॉडी बनाता है ना, तो वो हर कोई चीज़ कर सकता है, बस उसको सोचने की जरूरत है. तो यही चीज़ है कि संग्राम क्लासिक में इस बार भी बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें हो जाएंगी. और जैसे मैंने बोला कि इट्स नॉन कमर्शियल, मैं पैसे कमाने के लिए कंपटीशन नहीं ले रहा हूँ. मैं जस्ट, मुझे फिटनेस ने सब कुछ दिया है, तो कुछ चीज़ें देने की ट्राई कर रहा हूँ. जो मेरे साथ मेरे ब्रांड है वो वहाँ पे एंडोर्स करेंगे. और इनके चैंपियन जो रहते हैं, तो लास्ट टाइम मैंने अराउंड 10 लोगों को एक साल के लिए स्पॉन्सरशिप दिया था. ठीक है, मेरा प्राइज मनी बहुत ज़्यादा रहता है, मेरा एंट्री भी बहुत कम रहता है, क्योंकि मेरे पीछे इंटेंशन अलग है. सो हर कोई चैंपियन बन सकता है, ये चीज़ मुझे लोगों को बतानी है. इसलिए चैंपियंस को हटा रहा हूँ मैं, और जो नॉन चैंपियंस है उनमें, उनके बीच में कॉम्पिटिशन ले रहा हूँ, ताकि उनको आगे चांस मिले. ऑलराइट, ऑसम. संग्राम के पीछे बहुत भीड़ लग चुकी है. हमारा व्लॉग
पूरा हो चुका है, हम चाहते हैं हम सारे फैंस वापस आएं, संग्राम के साथ पिक्चर लें। संग्राम थैंक यू सो मच एज ऑलवेज। निपुण इसका चैनल आप सर्च कर सकते हो, थैंक यू। इसका वन ऑफ द एजुकेशनल चैनल है जहाँ पे आपको ट्रूथ मिलेगा, ओनली अच्छा नहीं, आपको अच्छा बुरा दोनों चीजें मिलेगी। तो फॉलो इस चैनल, सब्सक्राइब करो और मेरा भी चैनल है वो फॉलो करो। यस यस प्लीज। मेरा स्लो रहता है, मैं ऑनलाइन का नहीं, मैं ऑफलाइन का बंदा हूँ। मैं बेस पे चलता हूँ, इसलिए मैंने बोला कि मैं जमीन पे चलता हूँ, क्योंकि मैं ऑफलाइन पे काम करता हूँ, मैं हवा में काम करता नहीं। ऑनलाइन चीजें हवा में है, अगर किसी ने आपका चैनल हैक कर दिया तो आपको फिर से बनाना पड़ता है, तो मुझे कोई हैक कर नहीं सकता। हैक करेगा तो मेरी तीन ही चीज़ें हैं मतलब इम्पोर्टेंट, तो कोई मैं हैक करके चला भी जाएगा लेके, तो मुझे खाना चाहिए यार, वर्कआउट के लिए टाइम मिलेगा ना, बस मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, मतलब मुझे हैक करके मिल सकते हो। वेरी वेल सेड, स्टे ट्यून्ड, बहुत सारा फुटेज और आने वाला आपके सामने। संग्राम थैंक यू सो मच एंड गौरव थैंक यू सो मच। ऑलराइट, बाय।